हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल होम फूड इज़ गुड आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल करी चिकन बनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है मैंने एक पैन लिया और उसमें से मैंने सिक्स सूखी हुई लाल मिर्ची डाल दी और दस कली काजू के डाले और उनको अच्छे से रोस्ट कर लिया आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ब्राउन हो चुका है अब मैंने इसको छोटे जार में निकाल लिया और इसका फाइन पाउडर बना लिया और मैंने दो टमाटर लिए उनको मैंने फाइनली चॉप करके इसमें मिक्सी में डाल दिया और इसकी भी पेस्ट बना लिया आप चाहे तो रफली चॉप भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पेस्ट बन गई है अब मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली और उसमें ऑयल डाल दिया यहाँ में मैं कनोडिया का येलो मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ और मैंने दो मीडियम साइज़ प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके इसके अंदर डाल दिया और अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट के दो चम्मच डाले और फिर मैंने हल्दी डाली सूखा धनिया के दो चम्मच डाले और देगी मिर्च डाली और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है और यहाँ पे तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस भी आ रही थी मुझे और मैंने थोड़ा सा स्प्लैश ऑफ वाटर डाला यहाँ पे एक छिड़काव पानी का और इससे के बाद मैंने अपना जो चिकन था मैंने यहाँ पे अराउंड 500 ग्राम ऑफ चिकन यूज़ किया है ये सारा चिकन डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लिया और मैं इसको कम से कम थोड़ी देर तक अराउंड फाइव मिनट्स तक अच्छे से भुनूंगी भुनने के बाद मैंने यहाँ पे ये पानी छोड़ना शुरू हो गया तो मैंने इसके अंदर एक स्पून नमक डाल दिया उसको अच्छे से मिक्स करके जो हमने पेस्ट बनाई थी वो भी इसके अंदर मिक्स कर दी अच्छे से मिक्स करते करते मैंने इसके बाद इसके अंदर एक चम्मच गरम मसाला डाला और इसको मैंने थोड़ा और भुना भुनने के बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल के इसको ढक के 10-15 मिनट के लिए रख दिया और कस्तूरी मेथी थी डाली और मेरा चिकन तैयार हो गया अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल